सत्रुई कहाणी दाऊदा आयले परमेश्वर रो वायदो। शाऊल इसराइल रो पहलो राजो थो। सेव लंबो और बांठनो थो। जिन लोग चाहते सेव बिल्कुल तिणी थो। इसराइल माथे अपने राज करना कु पहले शाऊल एक अच्छो राजो थो, पर बसिए सेव बुरो आदमी बणो जुनिये परमेश्वर री बुशे नाई मानी। एथीले परमेश्वरे दूजो आदमी छांटो जो तेसरी जागा आदि राजो बणलो। परमेश्वरे दाऊद नावारे एक जवान इसराइली आदमी छांटियो एकी दिने शाऊलरी जागा आदि राजे हुणाले तैयार करनो शुरू करियेरो। दाऊद बेतलेम इलाके रो एक ग्वालो थो। कई बारे दाऊदे रीख ब्राग दुया जांगे थे, कहले कि त्यूए दाऊदारे जरिए चौकीदारी कर दी बारे तेसरे बाबा रिबेरी माथे हमलो कियो थो। दाऊद एक न्यूलो और धर्मी आदमी थो। तिणीए परमेश्वर माथे भरोसो कियो और तेसरी बुशे मानी। दाऊद इबी जवानी आदमी थो। तिणीए लंबे मोटे आदमी गोलियत आयले लड़ाई की। गोलियत एक बड़ी अच्छो फौजी थो। सेव बड़ी मजबूत और तकरीबन 10 फुट लंबो थो। पर परमेश्वरे गोलियत जांगणे और इसराइली बचावणाले दाऊदारी मदद की। तेतबसिया दाऊदे इसराइलरे कई दुश्मन हराए। दाऊद एक बड़ो फौजी बणियो। सेव बड़ी लड़ाई दी इसराइली फौजी रो मुख्य रो। लोगुए तेसरी बड़ी तारीफ की। लोगुए दाऊदा को एति प्यार कियो कि शाऊल तेस को मीश कर दे लगी गो। आखिरकार शाऊल तेस जांगणो चाहतो। एथीले दाऊद तेस को और तेसरे फौजी को चोरिंदे जांगला दी बागी गो। एक ही दिन जब शाऊल और फौजी तेस लोड़ दे थे लगे होंदे तो शाऊल एक ही ओडा ची दी डेव। से सेजी ओडा ची थी जेत दी दाऊद चोर होंदो थो, पर शाऊले से उनाई देखो। दाऊद शाऊल पिछाड़ी पिछाड़ी है बोरी नजदीक डेई गो और तेसरे जुड़के को टालको काटी गो। बस ये जे भी शाऊल तिये ओडाची को निकलो तदाऊद है तेसले अटाइयो तेस पकड़े ओंदे जुड़के रो टालको देखाड़ो। इने सोचियो शाऊल जानी गो कि दाऊद है राजा बनारी ताइये तेस जांगणाले मना करी गई। कुछ वक्त बस ये शाऊल लड़ाई दी मरी गो और दाऊद इसराइल रो राजो बणी गो। से एक अच्छो राजो थो और लोग वे तेसाइले प्यार छाड़ो। परमेश्वर दाऊद आले आशीष देई और से वो कामयाब छाणो। दाऊद बोरी लड़ाई लड़ी और परमेश्वर इसराइल रे दुश्मनु हरावणाले दाऊदारी मदद की। दाऊद यरूशलेम इलाके चितियो तीदे अपनी राजधानी चाणी जिये से रो और राज कियो। दाऊद दुई बीए वर्ष जाऊं राजो रो। तेसरे राजा रे बोगते इसराइली लोग ताकती वाले और सेठ बनी गए। दाऊद एक परमेश्वर रो भवन चाहनो चाहत हो जिये सारे इसराइली परमेश्वर री आराधना करी बोल और तेसले बड़ी भी चढ़ाई बोल। तकरीबन 400 वर्ष ओले से लोग मूसारे चाणे ओंदे मिलाप वाले तंबू दी परमेश्वर री आराधना करत है और तेसले बोली चढ़ावत है। पर तिये नातान नावारो एक भविष्यवक्ता थो। परमेश्वर सेव दाऊदा के इनो बोलना ले भेजो ताइये बोरी का लड़ाई लड़ी है एथीले तू मुकाले इस भवन नहीं चाणा लो तेरा छोर इस चाणा तेबे भी हूँ ताऊले बोरी का आशीष दियाऊ तेरो एक वंश सदाले मेरे लोगों मथे राजे रे रूप दी राज करा। सदाले राज करने वालो सेव दाऊदर वंश मसीह थो। मसीह परमेश्वर रो छांटो ओंदो आदमी थो जो दुनिया रे लोगों तिउरे पापा को बचावा। जेबी दाऊदे नातान रो संदेश सुनो ततिणी परमेश्वर रो धन्यवाद कियो और तेसरी स्तुति की। परमेश्वर तेसरी प्रतिष्ठा तो बढ़ाउंदे लागोंदो और तेसले बोरी का आशीष तो देंदे लागोंदो।
बेशक दाऊद नहीं जाना थो कि परमेश्वर यूं बुशे के भी करा आसा। एजे भक्त आमे जानी कि इसराइली एक लंबे भक्त जाऊं तकरीबन 1000 वर्ष जाऊं मसीह आसने रो इंतजार तक कर दे लगे। दाऊद कई वर्ष जाऊं ईमानदारी करी अपने लोगों मथे राज कियो। तिणिये तो न मना करी परमेश्वर री बुशे मानी और परमेश्वर तेसले बोरी आशीष दी। हालांकि तिणिये जिंदगी री आखिरी दी परमेश्वर रे खिलाफ बड़ो पाप कियो। एक ही दिन दाऊद अपने महल को बाहर जाचो और एक बंठनी छेवड़ी नाई दीवारे देखी। से तिया नहीं जाना थो पर तिणिये पतो लाई गो कि तिहारो नाऊ बेतशेबा थो। जिये तिणिये अपनी नदर जात टालनी तिणिये तिया छेवड़ी आन ले एक आदमी भेजो। दाऊद तिया आयले सुतो और से गोरे वापिस भेजी गई। थोड़े वक्त बस ये बेतशेबे इन्हें बोलियो दाऊद के खबर भेजी कि आऊं तेरे बच्चे री माँ बनने वालो। बेतशेबा रो बूटो उरिया नावा रो एक आदमी थो। से दाऊद रो एक बढ़िया फौजी मंजिया को एक थो। से जब वक्त से लड़ाई कर दे बाहर थोड़े आंदो। दाऊद उरिया लड़ाई को वापिस हटाइयो तेसले अपनी छेवड़ी आईले साथाई रोहिणा ले बोलो पर दूजे फौजी लड़ाई दी थे एथीले उरिया गोरे डेवना ले इनकार कर दे तो लगंदो। पर दाऊद उरिया वापिस भेजी गो और सेनापति को लड़ाई ले सेजी जागा आदि छाड़ने ले बोलो जिये दुश्मन सभी को ताकती वाले थे ताकि तेस पुरु जांग ता इनो वो कि उरिया लड़ाई दी मोरी गो। उरिया मरने बस ये दाऊद बेतशेबा आईले शादी करी गई। बस ये तीन दाऊदार छोरु पैदो कियो। तेसको परमेश्वर बड़ी रोष थे आशियंदे एथिले तिणिये नातान भविष्यवक्ता दाऊद का इणो बोलना ले भेजो कि तेसरो पाप केति बुरो थो। दाऊद अपने पाप माने और परमेश्वर से माफ कियो। अपनी बाकी जिंदगी दी अपने काठे भक्त दी भी परमेश्वर पिछु अंडे थाको लगी और तीसरी भूषे मानी। पर दाऊदर छोरु मरी गो इन्हें करी परमेश्वर तेसले डांड देओ। एथरे अलावा दाऊदर मरने जाऊं तेसरे अपने टोबरे रे कुछ लोग हुए तेसरे खिलाफ लड़ाई की और दाऊदारी अपनी ताकत खत्म हुई गई थी। पर परमेश्वर विश्वास वालो थो और इबी भी तिणिये तिणो ही कियो जिनो तिणिये दाऊद आईले करने रो वायदो थो कियोंदो किसे उकरा भले ही तेसरी आज्ञा नहीं मानी थी। और बस ये दाऊद और बेतशेबारी दूजी औलाद पैदी हुई और तिहुए तेसरो नाऊ सुलेमान छाड़ो।